नंदा क्राउन पैलेस शादी समारोह व पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस मकरोनिया रोड सागर मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जनता से कहा कि एक दिन घर रहिए, जनता कर्फ्यू करेगी। फिर क्या, हिंदुस्तान की जनता घर के अंदर बंद हो गई। न गलियों में कोई दिखा, न चौराहों में कोई दिखा, न बाजारों में कोई दिखा, न मोहल्लों में कोई दिखा। तो कुल लिहाज से न कोई प्रदेश में दिखा, न हमें कोई देश में दिखा। सारे लोग अंदर थे, लेकिन हम फिर कहेंगे सरकारों पर एतबार कम करें, प्रशासन से उम्मीद कम करें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर लड़ना है तो फिर आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी, क्योंकि आप अपनी ही सुरक्षा करेंगे तभी देश स्वस्थ होगा। हमें राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, न हम सफर से न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का काटा हम ही से निकलेगा। तो हम फिर कहेंगे कि मध्य प्रदेश के सागर में एक जुनून रहा, लोग घरों के अंदर बंद रहे, और सागर की ये तस्वीर कहती है कि जब 5 बजे सागर थाली बजा के उस जनता कर्फ्यू का इस्तकबाल कर रहा था तो लग रहा था कि अब हम तैयार हैं, यानी सागर तैयार है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। क्योंकि जब जनता लड़ने के लिए तैयार होती है तो फिर क्या बीमारी, क्या युद्ध, सारे चीजें नतमस्तक हो जाती। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस न्यूज पर। दुनिया में हाहाकार है, एशिया अफ्रीका यूरोप के वो देश जो विज्ञान में चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं वो कोरोना वायरस से घबराए हैं। इस लाइलाज बीमारी में अब तक दुनिया में कई जाने जा चुकी हैं। हिंदुस्तान में भी कोरोना वायरस को लेके 5 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा न बढ़े, लोगों में जागरूकता आए और देश 14 घंटे बंद रखकर इस कोरोना वायरस को हम खत्म कर लें, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जनता कर्फ्यू आहूत किया था। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। असर यह रहा कि हिंदुस्तान अपने घरों में रहा। मध्य प्रदेश के सागर शहर की भी अद्भुत लाजवाब तस्वीर हमें देखने को मिली, जब यहां का बासिंदा अपने परिवार के साथ घर में रुका और शाम के 5 बजे जब उसने थालियां और तालियां बजाई तो लगा कि हम तैयार हैं उस खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए जिसके आगे चीन और इटली जैसे देश घुटने टेकते दिख रहे हैं।
सागर की सड़कें सूनी रही, बाजार बंद रहा, प्रशासन अपनी ड्यूटी के लिए तारीफ के काबिल रहा। सागर की कलेक्टर प्रीति मैथिल एसपी भी बधाई के पात्र रहे, लेकिन सबसे पहले उस जनता को सलाम जिसने कहा कि नहीं, हम उस खतरनाक कोरोना वायरस से लड़ेंगे और उसे हराएंगे। परिवार में, हमारे मोहल्ले में जितने भी कीटाणु रहित करने के लिए, और हमने इसको घंटे से हमने प्रतिवेदन किया है। घंटे बजाने से जो हमारे आसपास जो भी कीटाणु विषाणु रहते हैं वो इस ध्वनि से मर जाते हैं। थाली बजाने से वातावरण में ध्वनि उत्पन्न होती है, उस ध्वनि से जो है कंपन उत्पन्न होता है, जिससे कि जो हमारे वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो इसका ये फायदा है, ताकि जो वातावरण में जो भी जहरीले तत्व है, अनावश्यक तत्व है, बैक्टीरिया, वायरस और जो सब है, वो सब इसकी वजह से नष्ट हो जाते। इससे क्या महत्व है, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, तो मैं तो उनका उद्देश्य यही है कि शंख या अपनी थाली या ताली बजा के हम आने, मतलब जो हमारे कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हो, डॉक्टर हो, और जो सेना में जो अभी पदस्थ है उन लोगों के लिए, जो आप लोग रिपोर्टर हैं, वो सब जो काम कर रहे हैं, उनको एक एक माध्यम है अपना धन्यवाद व्यक्त करने। संग बजाने से क्या होता है कि जो उससे ध्वनि निकलती है, वो जो यानी कीटाणु रहते हैं, उससे वो कीटाणु खत्म होते हैं, क्योंकि अपने पास आस पास जो कीटाणु रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम घंटा और थाली बजाते हैं, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज शाम 5 बजे से अपने घर के सामने सभी बजाने, थाली और ताली दोनों बजाकर अपनी अपनी छतों पर आकर, बालकनी में आकर इस चीज को दिल से निकालने के लिए ये चीज प्रधानमंत्री जी ने कही थी। जनता से अपील है कि हमारा शरीर, हमारा घर, हमारे बच्चों पर सरकार या प्रशासन निगरानी कर उन्हें सुरक्षित नहीं रखेगा। हमें आगे आना होगा और दुनिया को यह बताना होगा वायरस की क्या मजाल जो हमें छू सके। आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, तो देश सुरक्षित हो जाएगा। सागर जिले की जनता ने बता दिया कि हम इस संकट के खिलाफ जंग लड़ेंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज आपसे अपील करता है, दुनिया के हालात बेहद खराब हैं, लेकिन अभी हम महफूज हैं। लेकिन अगर थोड़े से लापरवाही हो गए तो फिर हमारा प्यारा सा सागर आफत में आ सकता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज बार बार अपील करता है, प्रशासन और सरकारों को गाली या भला बुरा न कहें। आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित रहने की समझाइश दें। तो खड़े हो जाओ डॉक्टर गौर की नगरी के बासिंदों, और बना लो सागर जिले के चारों तरफ एक चक्र कि इस क्षेत्र में हम कोरोना वायरस को भटकने तक नहीं देंगे। नफीज और इकराम खान के साथ जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज सागर। क्राउन पैलेस शादी समारोह पर पार्टी के लिए स्पेशल मैनेजमेंट प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, जायकेदार चौपाटी एवं एयर कंडीशनर, क्राउन फिटनेस जिम। हमारा पता है होटल द क्राउन पैलेस, मकरोनिया रोड, सागर, मध्य प्रदेश। विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9827137475 9999376776।